हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, क्योंकि ये है फेस्टिव सीज़न, स्पेशली क्रिसमस का टाइम है ये, और मैं बिज़ी हूँ घर में बनाने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स, पकवान। तो उस पकवान में स्पेशलिटी है ये मावा की गुजिया, जो कि बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और बहुत ही डिलिशियस बनती है। और गुजिया चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, सबके घरों में फेस्टिव सीज़न पर ज़रूर बनती है। तो चलिए मैं बनाती हूँ आज ये गुजिया और दिखाती हूँ आपको कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ इस रेसिपी को। तो इसके लिए पहले मैंने लिया है 3 कप मैदा, और इसको मैंने एक डीप लाइन वेसल में लिया है ताकि मैं इसमें आराम से इस आटा गून सकूँ इस मैदा से। तो 3 कप मैदा में मैंने डाला है ये 1/3 कप ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही खस्ता बनती है ये गुजिया। लेकिन इस ऑयल से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अच्छी खस्ता ही गुजिया बनकर तैयार होंगी। तो अच्छे से इस ऑयल को अब मसल मसल कर आपको मिक्स करना है, जब तक कि बिल्कुल मैदा की ब्रेड क्रम्स जैसी कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। और ये देखिए, आप जब इसको ऐसे प्रेस करेंगे हाथ में तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो यही पहचान है कि बिल्कुल मोयन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। ये मोयन जो होता है, ये हम ऑयल जो ऐड कर रहे हैं वो होता है, और निशानी इसकी ये है कि जब आप इसको हाथ से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से बाइंड होने लग जाएगा ये इस तरीके से, और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके, मैंने हल्का वार्म वाटर लिया है, बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी, और कम से कम पानी लेके बस मैं इस आटे को गूंदूंगी। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है इसमें, क्योंकि इससे बिल्कुल गुजिया खस्ता नहीं बनेंगी अगर आप पानी ज़्यादा डाल के इस आटे को गूंदेंगे। तो बिल्कुल कम पानी का इस्तेमाल करते हुए इसका आटा लगाएंगे, और आटा जो है बहुत स्टिफ भी नहीं लगाना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम साइज़ का आटा आपको लगाना है, जो कि स्टिफ हो हल्का सा, और साथ साथ ही उसके अंदर एक खिंचाव भी होना चाहिए जिससे आप इजीली रोल आउट कर सकें अपनी चपाती इस गुजिया बेलने के लिए। तो अब चलते हैं गुजिया की फिलिंग बनाने की तरफ, जब तक कि ये आटा 10 मिनट के लिए हम साइड में रख रहे हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए मावा, और मैं मावा जो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं रोस्ट करके इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने ये लिया है 1/2 किलो मावा, इसको मैंने सिंपली गैस पर भूना है। वाइट कलर का मावा मिलता है मार्केट से, जब भी आप लाएंगे तो उसको आप हल्का लो फ्लेम पे रोस्ट करते जाएंगे तो कुछ इस तरीके का लाइट ब्राउन मावा आपको रोस्ट करके गैस को फ्लेम ऑफ कर देना, और मावा को कर लेना है बिल्कुल ठंडा, क्योंकि अगर आप हल्के गर्म में मावे में भी ये पाउडर शुगर ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल पिघल जाएगी और आपका मावा जो है सारा ख़राब हो जाएगा। तो मावा को बिल्कुल ठंडा कर लीजिए लाइट ब्राउन करके, और उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पाउडर्ड शुगर। तो ये 1/2 किलो मावा में मैं 200 ग्राम के करीब पाउडर्ड शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 200 से 250 ग्राम के बीच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम शुगर पसंद है तो आप 200 ग्राम भी ऐड करके बना सकते हैं। तो मैंने ये 200 ग्राम का इस्तेमाल करा है, और अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा मावा था तो बिल्कुल शुगर जो है मेल्ट नहीं हुई है। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो गुजिया है वो बिल्कुल बनने से पहले ही ख़राब हो जाएगी ये मावा सारा। तो अब हमें इसमें ऐड करने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने 3 बड़े चम्मच ड्राई फ्रूट्स, जो चॉप्ड कैशियूज, चॉप्ड आलमंड्स और रेजिन्स के डाले हैं 3 बड़े चम्मच, यानी कि बादाम, काजू और किशमिश के 3 बड़े चम्मच डाले हैं, और 2 छोटे चम्मच मैंने डाले हैं जो खरबूजे के बीज होते हैं उसके, और चिरौंजी के। तो 2 टेबल स्पून मैंने ऐड करा है चिरौंजी, और साथ साथ मेलन सीड्स, और 3 बड़े चम्मच मैंने ऐड करा है काजू, बादाम और उसके साथ साथ किशमिश के। तो सब ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और ड्राई फ्रूट्स ही असली मज़ा है, ये फिलिंग जो मावा की बनती है यही असली मज़ा है गुजिया का। तो ये बहुत ही टेस्टी होना चाहिए, तभी आपकी गुजिया में जो है वो बढ़िया टेस्ट आता है। तो ड्राई फ्रूट से भरी हुई जब गुजिया होती है तो सबको खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बनकर तैयार है ये फिलिंग भी। तो अब आटे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है, और उससे मैंने कुछ इस तरीके से इसका लॉग बना लिया है, और उसको इक्वल साइजेज़ में अब मैं कट कर लूँगी ताकि मैं उनसे बना सकूँ छोटी छोटी डो बॉल्स। कुछ इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हर एक पोर्शन से मैं एक एक डो बॉल बनाकर और चपाती रोल आउट करूँगी, और ये मैंने इस तरीके से कुछ 3-4 चपाती इकट्ठे बेल लिए हैं, और उसके बाद ये गुजिया का जो मोल्ड आता है बहुत ही ईजिली मिल जाता है, आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत ही ईजीली अवेलेबल होता है ये मोल्ड। तो उसके सेंटर में प्लेस करें ये 1 से 1.5 चम्मच मैंने फिलिंग, और साइड में सील करने के लिए मैं थोड़ा सा दूध लगा रही हूँ, आप चाहे तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूध या पानी लगाने से बहुत अच्छी तरह टाइटली गुजिया जो है वो सील हो जाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर गुजिया आपकी ज़रा सी भी सील ठीक से नहीं हुई तो वो आपके तेल में फट सकती है, और उससे आपका तेल पूरा ख़राब होएगा,
और पूरी मेहनत आपको तेल छानकर दोबारा गुजिया फ्राई करनी पड़ेगी, जो कि आप बिल्कुल करना नहीं चाहेंगे आई एम श्योर। तो गुजिया बहुत टाइटली सील करें और तेल मैंने अच्छा गर्म कर लिया है डीप फ्राई करने के लिए गुजिया। तो तेल को पहले अच्छा तेज़ गर्म कर लें और उसके बाद उसको लो मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद बिल्कुल धीमी आँच पर उसको आप सेकें गुजिया को, तभी वो गुजिया जो है बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगी। तो पहले तेल को अच्छा गर्म कर लें और उसके बाद गुजिया ऐड करें और तेल की जो आँच है बिल्कुल लो कर दें और उस पर फिर आप गुजिया को पलट पलट कर सेकें चारों ओर से, अच्छी तरह सिक जानी चाहिए, बिल्कुल लाइट गोल्डन जब हो जाएंगी ये तो आप इनको निकाल लें बाहर। तो इनको लाइट गोल्डन ही करें, बिल्कुल डार्क ना करें, क्योंकि आप जब भी निकालेंगे उसको बाहर तो थोड़ा सा गुजिया का कलर और डार्क हो जाता है रखने के बाद, तो बहुत डार्क कलर की गुजिया जो है वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। ये बहुत लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की जब होती हैं तभी देखने में सुंदर लगती हैं गुजिया। तो इस तरीके से घुमा घुमा कर इसको चारों साइड से फ्राई करें अच्छी तरीके से, ताकि इक्वली ये गोल्डन ब्राउन हो जाए सब साइड से। और आप देख सकते हैं हल्का लाइट गोल्डन सा कलर आने लग गया है गुजिया पर, और ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो मैं इनको निकाल रही हूँ एक पेपर टॉवल पर, ताकि अगर थोड़ा सा भी एक्सेस ऑयल इसमें है तो वो ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरीके से मैंने सारी गुजिया तैयार कर ली हैं, बनाकर फ्राई कर ली हैं सारी, और ये पूरा थाल लगकर तैयार है गुजिया का। तो इसको कर देती हूँ एक प्लेटर में सर्व इस तरीके से, ताकि देखने में भी सुंदर लगे और खाने वालों को भी देखकर खाने में मज़ा आए। तो मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ इसकी फिलिंग। ये आप देखिए मावा की फिलिंग कितनी डिलिशियस लग रही है, ड्राई फ्रूट्स और नट्स से भरी हुई। तो आई एम श्योर ये गुजिया देखकर ही आपके मुँह में आ रहा होगा पानी। तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप ये इजी सिंपल सी रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार गुजिया बन जाती है घर में ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है ये रेसिपी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन जस्ट डाउन बिलो दिस वीडियो। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मोर रेसिपीज़, एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी समथिंग न्यू यू कैन डेफिनेटली लिस्ट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक इट। Enjoy this festive season, have a very happy Christmas and a very prosperous new year ahead. Bye-bye, take care.